नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। जब आपके पक्ष में अदालतों से फैसले आते हैं तो आम आदमी पार्टी सत्यमेव जयते लिखती है सोशल मीडिया पर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से या दिल्ली हाई कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो ट्रोल आर्मी को जजों के पीछे लगा देते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में सांसद स्वाति मालीवाल कह रही हैं। उन्होंने ये बात गुरुवार को ट्वीट की। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस बेहद घटिया और शर्मनाक ट्रोल कैंपेन को देख के बहुत क्रोधित हूं। मुझे उम्मीद है कि ये हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं है। सवाल ये भी है कि स्वाति मालीवाल की पार्टी कौन सी है? जाहिर सी बात है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अब भी राज्यसभा में सांसद है, तो वो खुद इस बात पर मोहर लगा रही हैं कि सोशल मीडिया पर जो ट्रोल कैंपेन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ, वो आम आदमी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। और इसी बात पर मोहर लगाते हुए आगे इस ट्वीट में क्या लिखती हैं स्वाति मालीवाल? मुझे उम्मीद है कि ये हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं है। वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी इन ट्रोल्स का फॉलो कर रहे हैं। वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी इन ट्रोल्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि संजय सिंह, आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, ये सब के सब इन ट्रोल्स को फॉलो कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये जो ट्रोलर्स हैं ये आम आदमी पार्टी के ही हैं। आगे वो कहती हैं, ये जांच होनी चाहिए कि ये घिनौना ट्रोलिंग अभियान कौन चलवा रहा है। ऐसे ट्रोल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। स्वाति मालीवाल ने हमारी पार्टी लिखकर अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में ये बताकर कि वो इन ट्रोल्स को फॉलो कर रहे हैं, सीधे सीधे ये साबित कर दिया है कि ये ट्रोल आर्मी दरअसल आम आदमी पार्टी की ही है। ये ट्रोलर्स, जिनकी संख्या छोटी मोटी नहीं है, बड़ी ज्यादा तादाद में ये एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, और इन ट्वीट्स में वो किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे गालियां निकाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को, वो ट्वीट में आपको दिखा भी नहीं सकती जिस तरह की भाषा का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब स्वाति मालीवाल ने खुद कहा है कि ये लोग कौन हैं। आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता जानते हैं कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि वो तो खुद कह रही हैं कि वो सारे बड़े नेता इनको फॉलो करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये ट्रोल आर्मी सुप्रीम कोर्ट के जजों के पीछे क्यों पड़ गई। मनीष सिसोदिया को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब भी कोई फैसला सुनाया तब तो ट्रोल आर्मी ने उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। अरविंद केजरीवाल के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको दो दो बार अंतरिम जमानत दी है, और जब उनके पक्ष में फैसला नहीं भी सुनाया तब भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ट्रोल आर्मी ने कभी मोर्चा नहीं खोला। सिसोदिया के मामले में देख लीजिए, पिछले 17 महीने से सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। उनके मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है, आज या कल फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन जब जब सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया या सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, कभी भी आम आदमी पार्टी की ट्रोल आर्मी ने उनके लिए जजों को टारगेट नहीं किया। लेकिन जब विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने और अरविंद केजरीवाल की जमकर क्लास लगाई, यहां तक कहा कि किसी गुंडे को कोई अपना पीए बनाकर कैसे रख सकता है। सरकारी आवास से अरविंद केजरीवाल का शीश महल, वहां पर कोई गुंडा कैसे जा सकता है? कैसे एक महिला की मारपिटाई हो सकती है मुख्यमंत्री के आवास में? जब ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे और विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी की ट्रोल आर्मी सुप्रीम कोर्ट के जजों के पीछे पड़ गई। ये जो सारे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि क्या क्या ट्वीट है, ये सारे ट्वीट कोई और नहीं कर रहा है बल्कि वो लोग कर रहे हैं जो विभव कुमार की ट्रोल आर्मी में आते हैं। और इस ट्रोल आर्मी के बारे में खुद स्वाति मालीवाल ने मई महीने में बताया था, जब उनके साथ शीश महल में मारपिटाई हुई थी, और उसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट
ट्विटर पर ट्वीट किया था कि अब आम आदमी पार्टी की ट्रोल आर्मी को उनके पीछे लगा दिया गया है। इसके बारे में उन्होंने जो कुछ ट्विटर पर लिखा था आपको बताती हूं। उन्होंने ये कहा था कि विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं केजरीवाल के हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। मालीवाल ने इसके साथ ही आरोप लगाया था कि पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई है सिर्फ इसलिए कि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, उसे सोशल मीडिया पर लीक करना है। उस वक्त जब ये ट्रोल आर्मी का जिक्र स्वाति मालीवाल ने किया था तो उन्होंने खुद कहा था कि विभव कुमार आम आदमी पार्टी में ट्रोल आर्मी चलाते हैं। जब कोई भी नेता आम आदमी पार्टी का अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई काम करता है, अरविंद केजरीवाल का कहना नहीं मानता है, तो उसके पीछे विभव कुमार पूरी ट्रोल आर्मी को छोड़ देते हैं। उसको लेकर अलग अलग अकाउंट से मैसेज करवाए जाते हैं ताकि उसकी छवि को खराब किया जाए। और यही काम स्वाति मालीवाल के मामले में भी करवाया जा रहा था। वो बात अलग है कि तब विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी ट्रोल आर्मी एक्टिव थी। और चूंकि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से आती हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ तब से जुड़ी हुई हैं जब वो परिवर्तन और कबीर नाम की एनजीओ चलाते थे, तो वो तो इनर कोटरी से आती हैं, उनको तो पता है कि विभव कुमार आम आदमी पार्टी में क्या करता था। उसने तो कई ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए और बाद में उनकी इमेज को टार्निश करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार का सहारा लिया। स्वाति मालीवाल ने तब यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि उनके रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनकी डिटेल्स ट्वीट करवाकर उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है। तब ये चेतावनी भी दी थी स्वाति मालीवाल ने कि खैर झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने की जुनून में ऐसा ना हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजर ना मिला पाओ, तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगी। ये स्वाति मालीवाल ने कहा था। किसके लिए कहा था? आम आदमी पार्टी के उन नेताओं के लिए जो उनके खिलाफ एक एजेंडा चला रहे थे सोशल मीडिया पर, उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, उनके रिश्तेदारों से उनसे जुड़े वीडियोस मांगे जा रहे थे ताकि उनको सोशल मीडिया पर वायरल करके उनकी इमेज को खराब किया जाए। और आपको याद होगा कि स्वाति मालीवाल जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था तब वो अमेरिका में थी, अपनी बहन का इलाज करवा रही थी, और उनसे अरविंद केजरीवाल इसके लिए भी नाराज थे कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का पक्ष लेने के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया। कायदे से तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर दौड़े दौड़े भागे भागे इंडिया वापस आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई। तो स्वाति मालीवाल ने कहा था कि उनके अमेरिका दौरे के दौरान के वीडियोज भी उनके रिश्तेदारों को फोन करके मांगे जा रहे थे, उन वीडियोज को भी वायरल करने की कोशिश हो रही थी। तो आम आदमी पार्टी के अंदर ट्रोल आर्मी को विभव कुमार चलाते हैं, इसका खुलासा स्वाति मालीवाल ने किया था। और स्वाति मालीवाल ने तो अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में शीश महल में उनके साथ मारपिटाई हुई थी, और अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल का पक्ष तो लिया नहीं था, विभव कुमार का पक्ष लिया था। तो अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से स्वाति मालीवाल ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। वो बात अलग है कि स्वाति मालीवाल ने कभी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन अब जो चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसमें तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल घर में मौजूद थे, उनके सामने ही मारपिटाई वाला मामला हुआ है। और फिर जब विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो वही ट्रोल आर्मी जो कभी स्वाति मालीवाल के पीछे लगाई गई थी अब उसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के पीछे लगा दिया गया है। यानी कि विभव कुमार भले ही तिहाड़ जेल में बंद है लेकिन उनकी ट्रोल आर्मी पूरी तरह से एक्टिव है। स्वाति मालीवाल तो ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को इसी काम के लिए रखा है, इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल का इतना लाडला है कि उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने धरना तक दे दिया था भरी गर्मी में। और विभव कुमार को बचाने में क्यों लगे हुए अरविंद केजरीवाल ये भी सबको पता है, क्योंकि वो उनके बहुत करीबी हैं, उनके हर काम के राजदार हैं।
विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल से जुड़े सारे राज पता है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये रिस्क तो कभी ले ही नहीं सकते कि वो मार पिटाई कांड के बाद विभव कुमार को अकेले छोड़ देते। उनके लिए भी अरविंद केजरीवाल ने सबसे महंगे वाले वकील अभिषेक मनु सिंह भी हायर किए हैं। विभव कुमार का केस अभिषेक मनु सिंह भी लड़ रहे हैं। सवाल तो ये भी उठता है ना कि आखिर उनकी फीस दे कौन रहा है? क्या विभव कुमार उनकी फीस खुद अपनी जेब से दे रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी विभव कुमार के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को मोटी रकम दे रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो खुद को बचाना है। अगर वो विभव कुमार का केस नहीं लड़वाएंगे अभिषेक मनु सिंघवी से, तो फिर तो विभव कुमार किसी भी वक्त उनके सारे राज खोल सकता है। इसलिए विभव कुमार को बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो अब समझने वाली बात यह है कि स्वाति मालीवाल के इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी के नेता क्या सच में इन ट्रोलर्स को अनफॉलो कर देंगे? क्योंकि स्वाति मालीवाल ने तो ये सवाल भी उठाया है कि पता किया जाना चाहिए कि किनके इशारे पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये पता कौन लगाएगा, क्योंकि ये वो ट्रोल आर्मी है जिनको दरअसल विभव कुमार को जमानत नहीं मिलने के चलते इस काम पर लगाया गया है। इनको मतलब सिर्फ विभव कुमार से है, और विभव कुमार जो दूसरों को ट्रोल करते थे केजरीवाल के कहने पर, स्वाति मालीवाल तो यही कहती है ना, अब जब वो खुद फंस गए हैं तो फिर उनकी ट्रोल आर्मी उनके लिए मैदान में क्यों नहीं उतरेगी? और ये तो हाई टाइम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला सुनाया, जिस तरह की टीका टिप्पणियां की विभव कुमार को लेकर, और जो चार्जशीट दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है, उसमें तो सीधे सीधे खुलासा हो गया है कि विभव कुमार का दोष है और अरविंद केजरीवाल भी फंस रहे हैं इस मामले में। इसीलिए गुरुवार को इस ट्रोल आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को टारगेट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।